अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज जो है मेरे फाइनल ईयर का फाइनली फर्स्ट पेपर है, तो दुआ में याद रखिएगा। डा है पीछे, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या पढ़ा है। कुछ पढ़ा है तो बताएं। अनका तो ऐसे करती थी, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं हो। सब कुछ पढ़ के नहीं पढ़ा बेटा, तो मैंने रात को सब कुछ पढ़ा दिया था पहले से। मैं असाइनमेंट बना रही थी तो फिर मुझे की बकवास कर रही है। सब्जेक्ट तो इतना मुश्किल लगे लेकिन उसे मुश्किल बनाया गया है, जिसका एक लफ्ज भी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम 80 मार्क्स उसमें लेंगे। ओके, 80 80 दे देगा, एक 80 नहीं देगा। बोलेंगे दो साल पहले स्टूडेंट की सबसे मार्क्स। हां बेटा, हम तुम्हारे जूनियर है, ख्याल कर हमारा। अरे कितना पतला हो गया। अरे बंद कर दे उसको, कुछ कर ही नहीं पा रहे। हम लोग पेपर देने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर है। हमारी बिल्कुल भी अच्छी तैयारी नहीं है, पेपर बहुत ज्यादा टफ होगा हमें पता है। पेपर मुश्किल नहीं है, मुश्किल बनाया गया है। हाँ, पेपर मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन बनाया गया है। मुश्किल बनाया गया बिल्कुल। पेपर कितना मुश्किल बोलता है। जूनियर टीचर्स नहीं होते जो आती अपना रोप बनाना शुरू कर देते हैं पर बन नहीं पाते क्योंकि हमारी वजह से। ये वो उन टीचरों में से नहीं। अच्छा है, तुमने चोर ना देखा हो तो ये देख ले, मनी प्लांट चोर। चोर शक्ल इधर कर। क्या बोलना, छोड़ दे वीडियो की वजह से। आज रोई थी, इसको पेपर बनाना नहीं आया था और ये इतना बुरा रोई है जिसकी कोई हद नहीं। इवन टीचर ने इसको पेपर भी दिया फिर भी ये रोई है। नफ्ती में ये काम करती रहती है और इसको पेपर आता नहीं है फिर रोती रहती है। ये सारा दिन बैठ के मेकअप धोती है। नहीं, अब तुम लोग ये रोने का ना इशू बनाओ। सारा दिन बैठ के मेकअप धोती है, इसे मेकअप करवा लो लेकिन इसको पेपर में एक लफ्ज नहीं आ रहा होता है। सिर्फ आज ही नहीं आया। क्यों नहीं आया, आज ही तो आना था। आज का पढ़ा नहीं था, आउटलाइन देख के ही होश खत्म हो गया था। मैंने आउटलाइन ही डिलीट कर दी थी तो मैंने क्या कहा, सारा दिन मेकअप करती रहती इसलिए पढ़ा ही नहीं इसमें। घर जाते ही पढ़ा था। कल तो घूमने गई थी, झूठ बंद बोल। हां घूमने गई थी, मुझे बताया था बाहर हो। हां थोड़ी देर के लिए मैं पड़ोस में गई थी, काम क्यों गई थी, डेट पे नहीं। ये पड़ोसियों क्या बैठ जाती है पेपर वाले दिन फिर पेपर में बैठ के रोती कि पड़ोसी इसका पेपर करेंगे आके। आज का पेपर हमारा इतना मुश्किल था, कभी सर हेडर का भी था मुश्किल उतर नहीं आया। ये हेडर का पेपर था और इसके इतने आंसू निकल आए, ये रो रही थी पेपर में बैठ के। फिर हमने इसको बताया कि हमारे आगे के साथ साथ देख देख के रो रहा था। तू आंखों से तो नहीं रो रहा था। मेहनत की, बहुत अच्छा पेपर दिया है मेरा, इंशाल्लाह 80 मार्क्स आएंगे। ओके थैंक यू। और सर शायद और मैंने भी इसे बताया इसके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ और सर वही भी कल वाले पेपर में कैसे आएंगे देखना। वैसे आंसू है ना अच्छा पेपर, अच्छे मार्क्स लेने के लिए। आगे चलो मैं रिकॉर्ड कर मैं रहूंगी ताकि मुझे मार्क्स मिल सके। पेपर हम करके आए हैं, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। एक पेपर की टेंशन कम हुई, अब दूसरे की टेंशन शुरू। छुट्टी भी नहीं है, एक पेपर में भी छुट्टी नहीं है, हाथ भी दुख रहे हैं और दिमाग भी थक गया है। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने खा पी के फिर घर जाएंगे। इतना अच्छा पेपर हुआ है हमारा। 4 साल के बाद आज फाइनल में हमें इसने फर्स्ट टाइम कुछ खिलाया है, मुझे फर्स्ट टाइम खिलाया है। लास्ट टाइम भी खिलाया था तू आया था। मुझे तो फर्स्ट टाइम खिलाया ना तूने। कितने पैसे दिए? 230। क्या क्या खिलाया है? और ये कितने? 4 3 बिरयानी। और ये कितने दिन तक तो गाएगी? हमेशा बाद में रस्सी खत्म होने वाली है। नहीं जहाँ मिलेंगे तो क्या बोलेगी, मैं तुम लोगों को खिलाया था ना वो तुम्हें, जिसमें कहना पेपर में रोई थी। हाँ देखना कि अटैक कैसे होता है। इशारे जराफी में इसके लग गए यहाँ पे। आज हम आपको फ्रेंड सर्किल में स्टिंग पीने का तरीका बताएंगे। जब आप ये फ्रेंड, आप सब शुद्ध गरीब हो और एक स्टिंग लेते हो और आप उस स्टिंग के आसरे पे स्टिंग बोल आप उस स्टिंग के आसरे पे 5 जने हो, 4 भी जने हो, तो हम इस तरह से स्टिंग पिएंगे। हम एक बड़ी स्ट्रॉ बनाएंगे फिर हम उसको बोतल में डालेंगे, बोतल जमीन में रख। और फिर यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन है, मतलब
आपकी जितनी क्वांटिटी है आप उसके बाद वहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे, तो अब मैं ये स्टिंग पी रहा हूँ कि अब इन्होंने ब्लॉक कर दिया। बीबी ये ब्लॉकेज रोक रही है, सबसे ज्यादा खुद पिएगी। बस बस निकाल स्टॉप। आज के पेपर में हमें रिसर्च वर्क भी मिला है, तो उसकी टेंशन में मैं ठीक से रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पाऊंगी, तो जो हुई हैं वही अटैच की हैं। हम लोग आर्ट्स फैकल्टी में बैठे हैं, हमारा पेपर हो चुका है और हम अभी फोटोशूट कर रहे हैं। फोटोशूट के बाद हम लोग सीधा घर जाएंगे। मैं आपको आर्ट्स फैकल्टी दिखाती हूँ, तब तक ये मस्जिद है सामने। तू फैकल्टी हट यहाँ से। यस आई एम फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तू होगा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है आज हमारा सेकंड लास्ट पेपर है और आंखों पर लगा ये स्पेशल केक, ये मोटी लाइए। ये स्पेशल केक ये लाइए, अनका खूबसूरत खूबसूरत पूरे 4 सालों में इस स्टैचू के सामने हमने एक भी तस्वीर नहीं निकलवाई, लेकिन इस बार हमने भी निकलवा ली। यादगार चीज़ें होनी चाहिए ना। पीछे वाली को देखें आप। हम शुद्ध गरीब लोग हैं और आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं। आज सेकंड लास्ट डे है हमारी यूनिवर्सिटी का। आज हम तेल लेंगे। हम लोग अभी पेपर देने जा रहे हैं। पेपर स्टार्ट हो चुका है। पीछे आप पेपर स्टार्ट हो चुका है। आज साढ़े 9 हो रहे हैं। जर्नी थी यूनिवर्सिटी की, जर्नी वो यहाँ इस क्लास से शुरू हुई थी फर्स्ट ईयर से। ये हमारा फर्स्ट ईयर क्लास है। ये हमारी क्लास है फर्स्ट ईयर। उसके बाद हम बाहर जाते हैं। ये हमारी जीआर ना काम आने वाली है। और ये हमारी जीआर मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट टॉपर टॉपर आई तू ना ना। और ये कोमल है हमारी फ्यूचर की एएसआई। एएसआई एएसपी और फिर हम चलते हैं सेकंड ईयर की तरफ। ये रही सेकंड ईयर की क्लास। यहाँ पे हमें सारे टीचर से मुलाकात हुई थी। बस एक चीज हमारी क्लासों में बहुत बुरी है कि पेंट नहीं करवाया कभी। 4 साल तक किसी ने भी 4 साल तक हम लोग कहते रहे पेंट करवाएं पर पेंट नहीं हुआ हमारी क्लास में। अब आपको सेमिनार हमारा सेमिनार है। और ये है येला, येला। अब
अब है हमारी पेट पूजा का टाइम। पेट पूजा करने आए हम मक्सी कैंटीन पे। मक्सी कैंटीन की बिरयानी सबसे आला है, आप कुछ खाओ ना खाओ यहाँ की बिरयानी ज़रूर खाना। लेकिन ये बंदा ऐसी छांटियाँ मार मार के देता है, इसलिए इसका नाम मैंने रखा है छांटी मारू। वरना ये मुझसे ज़्यादा वीडियो में यही घुसे रहते हैं।